मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा के विधायक एवं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कल फंदाकला की पंचायत में 8 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे सुलभ शौचालय का भूमि पूजन किया और आने वाले 3 महीने में तैयार होकर गांव एवं आने जाने वालों के लिए एक और काफी समय से सामना करना पड़ता है, उन्हें अब वह दिक्कत नहीं होगी। 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं और 26 जनवरी के इस पावन पर्व को हम लोग अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं और मैं आशा करता हूं गांव के लोगों से भी कि इसी प्रकार से हमारे इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाते रहें। और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये गौरव की बात है कि हमारे देश में जो है हम आज निश्चिंत होकर हम हमारे देश का झंडा वंदन कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार हमारे क्षेत्र में आ गया है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश पठारिया है, मैं ग्राम पंचायत हरिहर नगर फंदाकला से सरपंच हूँ। शर्मा सुलभ इंटरनेशनल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हूँ। आज फंदा और खजूरी सड़क दो पंचायत में माननीय प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी के अथक प्रयास से और उनके विधायक निधि के सौजन्य से दो जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 30 साल तक संस्था इसका निर्माण करेगी और संचालन संधारण भी करेगी। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? सुविधाएं रहेगी, 6 सीटें रहेगा, महिलाओं के लिए 2 टॉयलेट रहेगा, जेंट्स के लिए 2 टॉयलेट रहेगा और जेंट्स के लिए 2 यूरिनल रहेंगे। जेंट्स और लेडीज का दोनों ब्लॉक अलग अलग होगा, जेंट्स से न कोई लेडीज को मतलब है, लेडीज से न जेंट्स को मतलब होगा। इसको 3 महीने में कार्य को पूर्ण करते हैं। और ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा या क्या मैनुअल रहेगा? क्या मैनुअल रहेगा? क्योंकि अभी तक के जो अर्बन में देखा जा रहा है वो तो सब सिस्टम फेल है। क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम अच्छा तो है लेकिन उपयोग करने वाले जो अपने यहाँ के लोग हैं वो उतना पढ़े लिखे हैं ही नहीं। यहाँ चूँकि ग्राम पंचायत है तो यहाँ पर और कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो मैनुअल सिस्टम ही यहाँ सक्सेस हो पाएगा। कि भांति गांव में भी हम सुलभ शौचालय बना रहे हैं। जिन गांव में बाजार है और आसपास के 10-15 गांव की आगमन है ऐसे लोगों को ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं और वहाँ भी सुलभ शौचालय बनाया जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।